लेकिन उसकी चाबी किसी बात से हुई, हॉस्पिटल वाले ले लिए और आज हम बोलो मत ना कोविड के हिसाब से ना फायर सेफ्टी के हिसाब से हमारे को बहुत हो गया भाई। हम रेसिडेंशियल लोगों के लिए ये हॉस्पिटल एक बम के बारूद के जैसा है हाँ। जो कभी भी फट सकता है वाला मामला। तीन बार लगा है भाई, तीन बार, चौथी बार इन लोग ने कोशिश की है कि किसी को ना बोले, लेकिन पब्लिक आग देख कर मैंने सबको उठाई तो ये सबको पता चला क्योंकि आग इस बार लगी बहुत धमाके की लगी और भाई हमारी जान जा सकती थी। यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे माए हैं, यहाँ पे बहने हैं। आज ये आज सुबह में आप पूछिए 7 बजे, अभी का रिस्पॉन्स इन लोगों का ये है कि हमारा घर देखिए 12 घंटे ढंग से नहीं गुजरे, वो लोग अपने हॉस्पिटल की सफाई शुरू कर दिए, बाटले रखना शुरू कर दिए। इसके पहले कभी कोई कंप्लेंट दिया आप लोगों ने? कोई कंप्लेंट दिया चीज को लेकर के पहले कोई कंप्लेंट नहीं की गई सोसाइटी के तरफ से, क्योंकि इधर के हम लोग ये सोच रहे थे सोसाइटी के मेंबर लोग इस चीज को बखूबी मैनेज कर लेंगे, लेकिन इस चीज को बखूबी मैनेज नहीं किया जा रहा है। आज जब जानते आई तो हमें खुद अपने घरों से उतर के यहाँ पे आना पड़ रहा है। आपकी चारों बिल्डिंग के सोसाइटी के जितने भी पोस्ट होल्डर है जिम्मेदार है, उन्होंने अभी ये काम नहीं किया, इसके लिए आपको मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम भाड़े वाले, हम घर के ओनर, कोई भी रहने दो, हमारी जिंदगी है यार, जान हर एक की है, चाहे किराएदार हो चाहे मकान मालिक हो। और पहली बात तो इनको बोलना चाहिए ना कि आग लगी उतरो, बोल ही नहीं रहे, कुछ नहीं बोले। अगर हम नहीं होते आज नमाज पढ़ते नहीं, आग लगी तो छोड़ ही दो, आग लग के 12 घंटे हो चुके, 13 घंटे हो चुके, उसके बाद में आज की अभी तक भी किसी के घर पे आए नहीं कि भैया तुम्हारे घर में धुआं आया है, कोई बीमार है, कोई सांस ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, कुछ हिसाब किताब ही नहीं है। अभी सारे मेंबर्स लोग मिलके हॉस्पिटल के जिम्मेदार लोगों को जब फोन किए, सारों के नंबर स्विच ऑफ है, सबके बंद है, सबके बंद है। अभी हम लोग ताला लगा करने के लिए जा रहे, सभी के नंबर स्विच ऑफ रखे हुए हैं, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, सफाई बराबर हो रही है, लेकिन अभी उन लोगों ने जो बाटले अंदर रखने की कोशिश की थी हमने मना कर दिए, तो कैसे रोका आप लोगों ने? अभी बाटले हमने कोई फिजिकली नहीं रोका, हमने वर्कर को रिक्वेस्ट करी ये बाटले अभी हॉस्पिटल के अंदर में नहीं जाएंगे, जो अंदर रखे हुए हैं वो उठा के बाहर रख दो। अभी वर्कर लोग सारे उधर पे एक कोने में खड़े हुए हैं इस वक्त भी, रेस्पॉन्स का वेट करते हुए कि भैया कोई अगर एक्शन होगा तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। और ये अभी लोग कह रहे हैं कि बाटले से नहीं हुआ, अभी फिलहाल ये है कि हमने किसी भी बाटले को अंदर रखने की कोई इजाजत नहीं दी। आग भले बाटले से नहीं लगी हो ये मान भी लिया जाए, लेकिन जो आग लगी थी अगर उसमें 2-4 बाटले फट जाते तो क्या होता? असल मुद्दा ये है, अभी आप लोगों का क्या इरादा है यहाँ पर? हॉस्पिटल चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे? हॉस्पिटल चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे? नहीं, क्या इरादा है आप लोगों का? इरादा सिर्फ एक ही है, ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोविड पेशेंट मैनेज कर रहा था ये प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल, हमारे बीवी माँ बहने सभी लोग इधर पे रहते हैं जो कि इन्फेक्शन का भी चांसेस ज्यादा है। फिलहाल ये डिजास्टर जो हमारी बिल्डिंग में इस वक्त हुआ है, हमें इससे इतनी आपत्ति है कि ये प्राइम क्रिटिकल हॉस्पिटल ना अपने सेफ्टी नॉर्म फॉलो किया, ना अपने कोविड के नॉर्म फॉलो करता है, और ये हॉस्पिटल रेसिडेंशियल में है, हमें हॉस्पिटल टोटली क्लोज डाउन चाहिए। मतलब आप बंद, यहाँ बंद नहीं चलना चाहिए, क्लोज डाउन, शिफ्ट कर ले, शिफ्ट कर ले ये हॉस्पिटल इधर से, आप कहीं भी शिफ्ट कर ले, फिलहाल हमें ये हॉस्पिटल इधर पे नहीं चाहिए। बस बहुत बार हुआ ये, अभी चौथी बार है ये, चौथी बार यहाँ पे सारी बिल्डिंग वाले लोग, आप उधर पे नजर लगा दीजिए, पूरी बिल्डिंग वाले लोग आज की तारीख में नीचे खड़े हुए इसी चीज को लेकर के। और ये यहाँ पे मेरा घर इधर पे अंगार लगी थी ग्राउंड प्लस वन पे, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो है वो ग्राउंड प्लस वन पे है, हमारे घर की टाइल्स आज अभी तक भी इतनी गर्म है कि सोना वाली फीलिंग आ रही, स्टीम सोना वाली बात होती है ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। जब घर में हम लोग दोपहर में घुसने की कोशिश किए उस टाइम पे तो आप चप्पल पहने बगैर भी घुस नहीं सकते थे, यानी इतनी गर्म लादी थी। कल को ये जीपी बिल्डिंग है, ये कैसा काम हुआ, अवैध काम है या जो भी है बांध का, ये अगर कल को गिर जाती है कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और यहाँ पे जो मेंटेनेंस लेते हैं ना उन लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जो यहाँ के सोसाइटी के लोग हैं ना यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम सिर्फ नॉर्मल पब्लिक जो हम लोग मेंबर हैं, पब्लिक जो इधर पे घर के ओनर लोग हैं, घर के भाड़ू लोग हैं, यहाँ पे उतरे हुए सभी की जान इधर पे खतरे में, पानी फेंक रहे हैं कि हम लोग ये हॉस्पिटल के खिलाफ हो रहे हैं, करके अभी भी पानी फेंक रहे हैं हमारे ऊपर से खड़े रह के, इतना हम लोग यहाँ पे तकलीफ है भाई, हमको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, यहाँ दो दो पानी खाके सब चुप बैठ जाएंगे, हमारे घर का कोई मेंबर का मंगा हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है। वो पानी वो लोग फेंक रहे हैं जिनको हॉस्पिटल का पैसा अच्छे
अच्छे तरीके से मिलता हो। वही दो दो पांच हजार खाने वो काम कर रहे बैठने वाले लोग हैं। आज अगर हमारे ऊपर तकलीफ है कल इनके भी ऊपर तकलीफ रहेंगी, तो इनके 2,000-5,000 से किसी की जिंदगी लोग की सेफ नहीं होने वाली। 5 लाख हमारा घर सेकंड फ्लोर पे है, हमको सब में ज्यादा तकलीफ है। सुबह से अभी तक के हमारा घर ठंडा नहीं हो, हमारी स्पॉट एक हम लोग जमीन पे बिना चप्पल के नहीं चल सकते। हमारे घर में अभी तक के सांस लेने में प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल का कोई ऑथराइज पर्सन आया नहीं? हॉस्पिटल का अथॉरिटी जाने दो सर जी, यहाँ पे अभी तक की कोई क्या बोलो अभी मैं वो, अब लाइव कैमरे पे ये सब इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, मेरे अभी तक की कोई भी उधर पे हॉस्पिटल के तरफ से ये भी पूछने नहीं आया भैया आपके घर में क्या हालचाल है, हॉस्पिटल में अंगार लगी थी तो यहाँ पे पूरे अभी तक की पूरे 18 घंटे के ऊपर हो चुका है, वो असर हुआ है भाई पूरे समाज सेवक हैं और इसी बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पर जो है ये हादसा हुआ है प्राइम हॉस्पिटल में, वही बगल में है इनका घर है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि इसमें क्या लापरवाही है, हॉस्पिटल वालों की कुछ लापरवाही नजर आ रही है? पूरी लापरवाही अस्पताल की है और हम ये चाहते हैं कि अस्पताल अभी बंद हो जाए, यहाँ पे अस्पताल नहीं चले। रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे 100 घर से ज़्यादा है, 100 फ्लैट होएगा बिल्डिंग में और यहाँ पे सब कोविड पेशेंट आते और इतना सिलेंडर ला के रखते कि आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है यहाँ पे। तो क्या आप लोग यहाँ चलने देंगे हॉस्पिटल के, नहीं चलने देंगे? क्या सोसाइटी वालों ने क्या डिसाइड किया? सोसाइटी बिल्डिंग वालों का कहना है कि अस्पताल बिल्डिंग में नहीं चाहिए और अभी अस्पताल से बहुत तकलीफ है आने जाने में और ये पूरा बाटला ला के वजह से देखिए ये अलग तरीके से बना लिए हैं, ये कब्जा मार के इलीगल है। जैसे कल अंगार लगी थी तो यहाँ की क्या हालत थी, आप जैसे बिल्डिंग वालों क्या हालत था? अंगार लग गई तो ये तो अस्पताल वाले सब सोए पड़े थे, तो ये बिल्डिंग में जब धुआं गया तो लोग बिल्डिंग के लोग आके बताए कि अंगार लगी है, फिर बिल्डिंग में बाकी नीचे सब आए, फिर उसके बाद चिल्लम पुकार हुई तो आजू बाजू के लोग आए और उसके बाद जब अस्पताल से पेशेंट को निकाले पीछे मतलब ये कि जब अंगार लगी थी तो पूरे बिल्डिंग नीचे आ गई थी, डर के मारे नीचे आ गई थी, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई थी और ये अस्पताल के लोग का कुछ पता था नहीं था कि ये लोग कहाँ हैं। जब ऐसा बताया जाए के लड़के लोग ने भाई यहाँ से गैस के बाटले उठा उठा के बाहर निकाले। अच्छा ऐसा बताया जा रहा है आपको ये चैन ब्लॉक यहाँ पे 35 से 40 बाटले बंदे रहते हैं, ये रास्ता पूरा पैक रहता है, ये रास्ता पूरा पैक रहता है ना, औरतें जा सकती ना, बच्चा अगर किसी पे बच्चे लेकिन क्या बाटला तो सर जिम्मेदार कौन है? एक दिन नहीं, जैसे कभी वापस सुनने में आ रहा है कि हॉस्पिटल में काम शुरू हो गया, वापस चालू हो रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग मुझे कंप्लेंट करेंगे, अभी पूरी सोसाइटी मिलकर कंप्लेंट करेगी क्योंकि भाई ये जो मेडिकल था ये मेडिकल पहले नहीं था, ये पूरी संलग्न दीवार थी, ये एरिया से ये एरिया था पूरा इलीगल है, इन लोगों ने इलीगल ये पूरा बनाया हुआ। ये नहीं मतलब क्या एक्शन लेंगे अभी जैसे हॉस्पिटल शुरू होता था, क्या करेंगे आप? हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है भाई ये बंद कर दो रेजिडेंटल एरिया में, हमको ये नहीं चाहिए, ये रिस्क हम लोग बार बार नहीं उठा सकते। ये जी आप क्या कहना रहे आज भाई? अभी ऊपर अधिकारी को कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में, बताएंगे उनको ऐसा ऐसा है रेजिडेंशियल एरिया है और रेजिडेंशियल एरिया में अस्पताल कोविड अस्पताल नहीं हो तो अच्छा है बंद हो जाओ। अब वो अधिकारी पैसा खाकर चुप हो जाता है या फिर काम करता है वो आप लोग जानो भाई। नहीं अधिकारी तो बोल रहे हैं, वो तो हमारा बोलने का काम है भाई, हम तो बोल दिए, चेहरा भी देख लो, जब चाहे तब पकड़ लेना, बोलने का काम अपना है। नहीं मंत्री अधिकारी आगे क्या एक्शन लेता है वो अपने को नहीं मालूम है। मंत्री जितेंद्र वार्ड ने कहा है कि उसकी जांच कमेटी बिठाएंगे और जो भी था आपने सब कुछ बता दिया भाई आपको, जांच कमेटी के हिसाब से तो लोगों का यही फैसला है कि बंद कर दो, रेजिडेंशियल एरिया में कौन अलाउ करता है भाई आपको, कौन सा हॉस्पिटल है बताओ ना आप, कौन सा रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ है? ये जो दरवाजा है रियाज भाई ने अपने पैसे के खर्चे से बनाया था, वो सब कुछ कहा गया टाला, उसका चाबी अभी किधर गई, उसकी किसके पास है? ये जी मतलब वड़ा पाव समोसा पाव लाने के टाइम पे खुलता है वो, जब हॉस्पिटल वाले को चाहिए, मतलब आप उसके अलावा कभी नहीं खुलता हो। मतलब आप कहना कि हॉस्पिटल की वजह से आपको काफी आप लोगों काफी दिक्कत सबको तकलीफ है भाई। जी जी ठीक है धन्यवाद।